स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे और आज ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से किए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को, इस प्रमेय में क्या कहा गया है कि अगर एक त्रिभुज है उसमें डी ई समानांतर है बी सी के, तब क्या होता है, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको प्रमेय 6.1 भी बोलते हैं। और एक होती है प्रमेय 6.2, उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें हमें क्या दिया होता है, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, ये हमें समानुपाती इनकी भुजाएं डी होती हैं और हमें ये प्रूव करना होता है डी ई समानांतर है बी सी के, ठीक है। अगर हमें ये दिया हो ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, तो क्या होता है, ये भुजाएं समानांतर होती हैं, ये कहती है हमें प्रमेय 6.2। तो ये दोनों प्रमेय कर लें तो आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, यानी इसका इस तरह से प्रयोग करके कि ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी दिया हुआ है, तो डी ई क्या समानांतर होगा बी सी के, इस प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं यानी ए बी का मध्य बिंदु अगर डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो क्या होता है, वो तीसरी भुजा के समानांतर होता है, डी ई समानांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी है, उसमें डी और ई ए बी के यानी ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई हमें दिया हुआ है, मध्य बिंदु ये दिए हुए हैं और सिद्ध हमें करना है डी ई समानांतर है बी सी के। प्रमाण क्या देना है हमें, देखो क्योंकि डी जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम ए डी बराबर में डी बी लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी बी, तो इसको बाय में ले जाओ, ए डी बाई डी बी 1/1 हो जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ 1 रह जाएगा तो उसको 1/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ए ई सी के इक्वल हो जाएगा, ई सी को यहाँ डिवाइड में ले आते हैं तो ये 1/1 हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों 1 के इक्वल हैं, तो यानी ए डी बाई डी बी और ए ई बराबर में ए ई बटे ई सी हो जाएगा। तो अभी हमने बात की कि अगर ऐसे ये भुजाएं समानुपात में हो, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी हो, इसका मतलब क्या होता है, डी ई समानांतर है बी सी के, रेखाखंड डी ई भुजाओं ए बी को समानुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए विलोम से हम क्या कह सकते हैं, डी ई समानांतर है बी सी के। अब है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है पेपर में, मोस्टली ये 9 और 10 ही होता है, तो आप ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक समलंब है, ये एक समलंब है, समलंब क्या होता है, जिसमें एक भुजा, इसमें देखो दो भुजाओं के पेयर हैं ए बी डी सी ए डी बी सी, तो ए बी जो है समानांतर है सी डी के, समलंब के अंदर आमने सामने वाली भुजाओं का जो है एक जो जोड़ा है वो समानांतर होता है, इसमें ये समानांतर है, ये समानांतर नहीं है ना, ए डी समानांतर बी सी के नहीं है, समलंब के अंदर क्या होता है, ए बी समानांतर सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ये हमें दिया ही हुआ है, इसके विकर्ण जो है परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो दिया है हमें, यहां से यहां तक लिख दो दिया है, ठीक है, दिया है लिख के यहां से यहां तक नोट कर दो। और सिद्ध करना है हमें, क्या नोट करेंगे, सिद्ध करना है में करेंगे ए ओ बाय बी ओ, हमें सिद्ध करना है ए ओ बाय बी ओ और सी ओ बाय डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। तो हम एक रचना करेंगे अपने आप, ओ से ओ ई समानांतर खींचेंगे ए बी के, ए बी के खींचो या डी सी के समानांतर, तो ये एक समानांतर रेखा हमने खींच ली है जो ए डी को ई पर काट रही है, ठीक है, हमने ये रचना की है। अब ये त्रिभुज देखते हैं हम, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में ओ ई समानांतर है डी सी के, हमने ऐसे ही बनाई है, ओ ई समानांतर है डी सी के, तो क्या हो जाएगा आधारभूत थ्योरम से, ए ई बाय ई डी ए ओ बाय ओ सी, ठीक है, ए ओ बाय सी ओ लिख लो चाहे इसको, ये है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसी तरह से अगर हम ये त्रिभुज देखें ए बी डी, ए बी डी थ्योरम में ए बी डी के अंदर ए बी डी में ओ ई समानांतर है ए बी के, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ई
बटे में ई डी, ए ई बटे में ई डी हमने इसी तरह का लिया है ताकि ये दोनों एक जैसे बने, ए ई बटे ई डी ओ बी बटे में ओ डी के इक्वल हो जाएगा। ए ई बटे ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, इसको लिख देते हैं बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक और दो से ये दोनों, ये भी ए ई बटे ई डी के इक्वल है, ये भी ए ई बटे ई डी के इक्वल है, तो यानी ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो एक और दो से हम लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ बराबर में बी ओ बटे डी ओ, लेकिन हमें प्रूव करना था ए ओ बटे बी ओ, तो बी ओ हम यहाँ ले जाते हैं सी ओ उधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ओ यहाँ आ जाएगा और सी ओ उधर आ जाएगा, तो हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, एक चतुर्भुज बी ए बी सी डी के विकर्ण, ये चतुर्भुज है कोई ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और हमें ये दिया हुआ है, देखो जो पहले में हमने प्रूव किया है वो हमें दिया हुआ है ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ, ये हमें दिया हुआ है और हमें दर्शाना है कि ये समलंब है, तो दिया है तो यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये दिया है लिख के इसमें नोट कर देना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी समलंब है, समलंब के अंदर आप क्या सिद्ध कर दोगे, डी सी जो है समानांतर है ए बी के, ये रेखा इसके समानांतर है, सिद्ध कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा समलंब। ठीक है, तो रचना पहले वाले क्वेश्चन की तरह करनी है, ओ ई समानांतर ए बी खींचना है जो ए डी को ई पर काटता हो। ठीक है, अब प्रमाण क्या करेंगे कि ओ ई क्योंकि समानांतर है डी सी के, ओ ई समानांतर ए बी के भी है, तो पहले हम त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं, कोई भी त्रिभुज आप पहले ले सकते हैं, तो ए बी डी ले रहे हैं, इसमें ओ ई समानांतर है ए बी के, ये दोनों समानांतर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं ए ई बाई डी ई, ठीक है, बराबर में ओ बी बटे डी ओ। ठीक है, ओ बी इसको बी ओ बटे ओ डी लिख लो तो भी कोई बात नहीं है, एक ही बात है आधारभूत थ्योरम से, परंतु हमें ये चीज हमें दी हुई है ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ, इसमें हम क्या करेंगे सी ओ को यहाँ लिख लेते हैं, बी ओ को उधर, सी ओ इधर ले जाओ और बी ओ उधर ले जाओ, लेकिन लिख सकते हैं ना। अब ये देखो ये चीज इक्वल है, ओ बी लिखो या बी ओ एक ही बात है ना, और डी ओ, तो ये और ये चीज इक्वल है, तो इसका मतलब है एक और दो से ए ई बटे डी ई किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम इस त्रिभुज में देखें, हमने इसके अंदर ए ई बटे डी ई और ए ओ बटे में ओ सी ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसके इसके अंदर हमने ये सिद्ध कर दिया है, देखो इसको अब दोबारा से बना लेते हैं ताकि नीचे से हमें अच्छे से दिखे, इसको ये ऐसे था, ये दोनों ये हैं और ये समानांतर है ए बी सी डी। ठीक है, ये इसको ऐसे मिल रहा है, ये है ई। ठीक है, इसमें हमने सिद्ध क्या कर दिया, एक और दो से हमने सिद्ध कर दिया है ए ई बटे में डी ई और ए ओ बटे में सी ओ, अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये समानांतर हो जाता है, ईओ समानांतर हो जाएगा, ईओ बोलो या इसको ओई लिखो, ओई समानांतर आ जाएगा डीसी के। ठीक है, ओई समानांतर है डीसी के, लेकिन ओई तो एबी के भी समानांतर है, हमने रचना ही ऐसे की है कि ओई समानांतर है एबी के, जब ओई इन दोनों के समानांतर तो ये आपस में समानांतर हो जाएंगे, यानी डीसी समानांतर हो जाएगा एबी के, और इसका मतलब क्या है, एबीसीडी एक समलंब हो जाएगा, तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमें हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है और हमें ये बता रखा है कि ये चतुर्भुज में समद्विभाजित करता है, हम क्या करते हैं ओई समानांतर ए बी ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि समानांतर है ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा ए ई बटे में डी ई ओ बी बटे में ओ डी हो जाएगा, और ये हमें इक्वल दे रखा है, ये हमें इक्वल दे रखा है, इन दोनों से क्या कर लेंगे सी ओ यहाँ और बी ओ यहाँ लिख लेंगे, और ये दोनों चीज़ें सेम हो गई तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, जब ये दोनों इक्वल हो गई इस त्रिभुज के अंदर ए ई बटे ई डी ए ओ बटे ओ सी आ गया, इसका मतलब है ई ओ समानांतर आ जाएगा डी सी के। अब ये ई ओ ए बी के तो समानांतर है ही है, ये इसके समानांतर है, ये इसके भी समानांतर है, यानी ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे,
और समानांतर हो गए तो समलंब हो जाएंगे।